अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम फ्लैश CS3 के एक नए टूल को स्टडी करेंगे और इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। और इसका टूल का नाम है ब्रश टूल। ब्रश टूल एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम कैलीग्राफिक इफ़ेक्ट या पेंट ब्रश का इफ़ेक्ट देते हैं, और इस टूल के ज़रिए हम किसी भी शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। अब कलर फिल करने के हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम डायग्राम्स के अंदर या पिक्चर्स के अंदर किस तरीके से कलर्स फिल करना चाहते हैं। उसके कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं जैसे ही ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में मेरे पास ऑप्शन आ गए फिल कलर का, कि आपने कौन से कलर से जो है वो ब्रश स्ट्रोक्स बनाने। इसके अलावा मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे जो हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहे अभी, तो उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा और ये दो एरोज़ बने हुए हैं यहाँ पे, इनके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखें, ये जो नीचे का एरिया जो ऑप्शंस हाइड हुए हुए थे यहाँ पे जगह ना होने की वजह से, अब वो भी शो होना शुरू हो गए हैं। अभी जैसे ही मैंने इन एरोस पे क्लिक किया तो अब दो कॉलम्स के अंदर आपको टूल्स शो होना शुरू हो गए, जबकि अगर मैं वापस बैक करता हूँ तो अब दो सिंगल कॉलम के अंदर ये टूल्स आपको शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे टूल्स शो नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से मैं इस पर क्लिक करूँगा और टूल्स को दो कॉलम्स में डिस्प्ले करवा दूँगा, ताकि मुझे नीचे के भी ऑप्शंस जो कि हाइड हो रहे थे वो भी शो हो जाएं। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये तीन इसके ऑप्शंस टूल्स के यहाँ पे भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले है ब्रश साइज़, क्या आप ब्रश का साइज़ क्या रखना चाहते हैं। अभी ब्रश का साइज़ नॉर्मली ये आता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप ब्रश का कोई भी साइज़ चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रश साइज़ मैंने ये ले लिया, अब मैंने ब्रश स्ट्रोक बनाया तो अब देखें इसका साइज़ डिफरेंट आया है। और अगर मैं सबसे लाइट ले लूँ स्मॉल साइज़, तो इसका ब्रश स्ट्रोक का स्टाइल ये आएगा। अब इसमें देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन कोई नहीं बन रही है, बल्कि ये एक ब्रश स्ट्रोक का इफ़ेक्ट आ रहा है, कि जब आपने ब्रश चलाया तो स्टार्टिंग में हल्का है लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा डार्क हुआ और फिर हल्का हुआ, जिस तरह से एक्चुअल ब्रश स्ट्रोक बनता है जब हम किसी एक्चुअल ब्रश के साथ किसी कैनवस के ऊपर ब्रश स्ट्रोक करते हैं। तो यहाँ से मैं सबसे लार्ज ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ब्रश शेप का, कि यहाँ से हम ब्रश की शेप भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है, जबकि यहाँ से मैं अगर शेप चेंज कर दूँ तो ये डिफरेंट शेप्स हैं मेरे पास, जिनके ज़रिए हम ब्रश का इफ़ेक्ट स्ट्रोक ब्रश स्ट्रोक का इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये ले लिया और अब मैं इससे ब्रश स्ट्रोक करूँगा, तो अब इससे आप देख रहे हैं कि ब्रश स्ट्रोक डिफरेंट आ रहा है। अब ये अगर मैं ब्रश स्ट्रोक में ये यूज़ कर रहा हूँ तो अब ये देखें, जैसे मैंने ये यूज़ किया तो ये उर्दू वाला अलिफ लग रहा है, जैसे खताती में ये कैलीग्राफी के अंदर लिखा जाता है। और इसी तरह से डिफरेंट और हैं, स्क्वायर की फॉर्म में हैं ये हैं, तो आप मुख्तलिफ डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं और इससे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं सर्कल ही ले लेता हूँ, राउंड शेप। अब मैं आता हूँ ब्रश मोड्स के ऊपर, इस पर क्लिक करता हूँ एरो पे तो मेरे पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं पेंट नॉर्मल, पेंट फिल्स, पेंट बिहाइंड, पेंट सेलेक्शन, पेंट इनसाइड। अब ये पांच ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिनको हम बारी बारी ट्राई करके देखते हैं
कि इनसे ब्रश स्ट्रोक में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाए हुए, हर रेक्टेंगल के ऊपर हर मोड को मैं अप्लाई कर के देखूँगा, एक एक मोड को अप्लाई करके कि डिफरेंस क्या आ रहा होता है तमाम मोड्स में। तो सबसे पहले पेंट नॉर्मल सेलेक्ट हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे पेंट नॉर्मल करूँगा तो जैसे नॉर्मली पेंट होता है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें आप, तो जो भी फिगर या जो शेप बनी हुई थी, मैंने जब ब्रश टूल यूज़ किया तो उस शेप के ऊपर इसने कलर फिल कर दिया और शेप पीछे रह गई और उसके ऊपर ब्रश स्ट्रोक्स आ गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी अब शेप मुझे नज़र नहीं आ रही, मैंने उसके ऊपर पूरा ब्रश से पेंट कर दिया। तो ये है पेंट नॉर्मल। अब करते हैं हम पेंट फिल्स। नाम से जाहिर है कि ये सिर्फ फिल के अंदर कलर करेगा, बाकी स्ट्रोक के ऊपर नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आउटलाइन जो होती है इसको हम स्ट्रोक कहते हैं, और जो अंदर का कलर होता है किसी भी शेप का वो फिल कहलाता है। तो अभी जो मैंने मोड सेलेक्ट किया हुआ है यानी कि पेंट फिल्स, तो ये जो पेंट है अभी इस मोड के ज़रिए जब मैं ब्रश स्ट्रोक यूज़ करूँगा तो ये फिल के ऊपर सिर्फ कलर होगा, स्ट्रोक के ऊपर नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इसकी। जैसे मैंने ये एक स्ट्रोक लगाया तो आप देखें सिर्फ फिल के ऊपर कलर हुआ है या बैक साइड पे भी कलर हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको स्ट्रोक के ऊपर कलर हुआ हुआ नज़र नहीं आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कलर करता हूँ तो आप देखें स्ट्रोक अपनी जगह आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रोक के ऊपर कलर नहीं हुआ। जबकि अगर मैं यहाँ कलर करता हूँ तो बैकग्राउंड में देखें फिल कलर चेंज हो रहा है लेकिन स्ट्रोक अपनी जगह वैसे ही बाकी है, यानी स्ट्रोक के ऊपर अब कलर नहीं हो रहा, सिर्फ फिल या शेप के बाहर जितना एरिया है उनमें कलर हो रहा है। अब देखिए मैंने पूरा फिल को कवर कर दिया और देखिए स्ट्रोक आपको अपनी जगह वहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा होगा क्योंकि स्ट्रोक के ऊपर कलर हुआ ही नहीं। तो इस मोड को जो हमने यूज़ किया था वो था पेंट फिल्स, तो सिर्फ फिल्स के ऊपर कलर कर रहा था, ये स्ट्रोक के ऊपर कलर इसने नहीं किया। थर्ड मोड देखते हैं पेंट बिहाइंड, इसको सेलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं कि पेंट बिहाइंड से क्या होता है। अब मैं यहाँ पे कलर करता हूँ, देखें कुछ भी नहीं हुआ, कलर मैंने अब यहाँ पे किया। अब देखें ये क्या इफ़ेक्ट हुआ, शेप के ऊपर कलर नहीं हो रहा है इस केस में जबकि शेप के पीछे कलर हो रहा है। ये देखें मैंने पूरी एक लाइन बनाई ब्रश स्ट्रोक से और ये देख शेप के ऊपर कलर नहीं हो रहा जबकि शेप के पीछे स्ट्रोक सारे जा रहे हैं मेरे। ये देख जितना भी मैं कलर फिल कर रहा हूँ वो कोई भी इसके ऊपर नहीं आ रहा, सब जो फिगर है हमारी या शेप है उसके पीछे जा रहे हैं। तो ये मोड कहलाता है पेंट बिहाइंड, नाम से ही जाहिर है। तो ये शेप के ऊपर कलर नहीं करेगा, शेप के बैक साइड पे पीछे कलर करेगा, बिहाइंड कलर करेगा ये। उसके बाद पेंट इनसाइड, हम ये पहले ये करके देख लेते हैं फिर उसके बाद पेंट सिलेक्शन करेंगे। पेंट इनसाइड, फिगर के अंदर क्लिक किया और मैं लाइन से बाहर तक लेते हुए आ गया तो देखें बाहर वाला एरिया इसने रिमूव कर दिया और जो शेप के अंदर का कलर था उसके ऊपर इसने ब्रश स्ट्रोक शो कर दिया। दोबारा देखते हैं, इसी तरह से मैं करता जाता हूँ और अब देखें
ओके अब नेक्स्ट मोड है हमारे पास, जो लास्ट मोड बचा है वो है पेंट सेलेक्शन। यानी नाम से जाहिर है कि ये सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के अंदर पेंट करेगा। तो इसके लिए हम पहले काम करते हैं, हम लेसो टूल से इस शेप के अंदर एक एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये एरिया, इतना एरिया सेलेक्टेड है, बाकी पूरी शेप अनसेलेक्टेड है। तो चूंकि मैंने पेंट ब्रश के अंदर सेलेक्ट किया पेंट सेलेक्शन, तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, यहाँ क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, कहीं पे भी क्लिक करूँगा कहीं पे भी ब्रश स्ट्रोक काम नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ जहाँ पे जितना एरिया सेलेक्टेड एरिया है उसके अंदर अगर ब्रश स्ट्रोक जाएगा तो सिर्फ वहाँ पे कलर होगा। अब जैसे मैंने ये कलर किया तो देखें सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के अंदर कलर हो रहा है। अब मैंने इस पूरे एरिया को कलर से भर दिया तो देखें सिर्फ बाकी सारा एरिया जो बाहर का था सिलेक्शन से उसमें कलर नहीं हुआ, सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के अंदर कलर होता जा रहा है। अब मैं बाहर कर रहा हूँ कलर, बाहर नहीं हो रहा क्योंकि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ सेलेक्शन के अंदर ही कलर हुआ है। तो ये ब्रश टूल के मुख्तलिफ ऑप्शंस थे जो कि हम ड्राइंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई भी ड्राइंग बनाएं और उसमें हमें मुख्तलिफ जगहों पे कलर फिल करना हो, मिसाल के तौर पे आपको किसी ऐसी जगह पे कलर फिल करना है कि आपने जो आउटलाइन उसमें बनाई है उसमें आपको कलर फिल नहीं करना है, सिर्फ अंदर की साइड पे कलर फिल करना है, तो आप यहाँ से पेंट फिल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंट इनसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ अंदर ही कलर हो। आपको एक शेप ड्रॉ किया और उसके पीछे कोई कलर का इफ़ेक्ट देना है तो आप उसी तरह से पेंट बिहाइंड यूज़ कर सकते हैं कि फिगर के पीछे बिहाइंड कलर हो ताकि जो आपने शेप बनाई है वो ख़राब ना हो आपकी। तो ये मुख्तलिफ ब्रश के ऑप्शंस थे। इसके अलावा आप यहाँ से उसका ब्रश का साइज़ चेंज कर सकते हैं, क्या ब्रश की कितनी मोटाई रखना चाहते हैं और ब्रश स्ट्रोक की और ब्रश का शेप क्या होगा। तो ये मुख्तलिफ आप यहाँ से शेप्स सेलेक्ट कर सकते हैं।